मुझे तू। कैसे हो आप सब लोग दोस्तों, मेरा नाम है शारिक और मेरे यूट्यूब चैनल एसके टेक में आपका स्वागत है। सो गाइस, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी एडिटिंग की वीडियोस देखने के लिए हैप्पी बर्थडे तेरा बेबी, हैप्पी बर्थडे। आज तो भाई कुछ ऐसी वीडियो बना दूंगा ना गाइस, भाई साहब आज समझ ही नहीं पाओगे कितनी खतरनाक एडिटिंग करने वाला हूँ। सो गाइस, सबसे पहले आप काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एंड एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको मीडिया पर जाना है और मीडिया पर जाने के बाद गाइस आपको कुछ इमेज ऐड करने होंगे। जी हाँ गाइस, थोड़ा जल्दी बोल गया बट कोई दिक्कत नहीं है। सम इमेज आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। सो सिंपल गाइस, जैसे ही आप यहाँ पर कुछ इमेज को ऐड कर लेते हैं उनके बीच में अब आपको डालना होंगे ट्रांजिशन इफेक्ट। जी हाँ गाइस, ट्रांजिशन इफेक्ट को आपको डाउनलोड करना है गेट मोर पे क्लिक करके। सो गाइस, जैसे ही आप गेट मोर पे क्लिक करते हैं वहाँ से आपको बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट डाउनलोड करने होंगे। ये इफेक्ट मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए, सो मैं इनको अभी अप्लाई कर रहा हूँ। आप भी अप्लाई करते हो जिससे आपका वीडियो बहुत अमेजिंग बनने लगे। क्योंकि गाइस, अगर आपके ट्रांजिशन इफेक्ट जो आपके काइनमास्टर में होते हैं वो इतने खतरनाक नहीं होते हैं जितने कि आपको यहाँ पर मिलते हैं। सो गाइस देखिए, अभी देख सकते हो कि मैं कितने अच्छे अच्छे स्टेट ट्रांजिशन इफेक्ट यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। अभी गाइस, जैसे ही मैंने ट्रांजिशन इफेक्ट को यहाँ पर ऐड कर दिया, बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट अभी मैं ऐड करने वाला हूँ। सो इसके बाद मैंने क्लिप ग्राफिक इमेज भी ऐड कर दी है गाइस। अब क्लिप ग्राफिक इमेज भी आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। सो सिंपली एक ही लेयर पर क्लिक करना है और क्लिप ग्राफिक इमेज को ऐड कर लेना है। अब गाइस देखिए, मैंने यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे क्लिप ग्राफिक इमेज को डाउनलोड करके रखा हुआ है। आपको भी डाउनलोड कर लेना है, अगर डाउनलोड नहीं है तो डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड है तो कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी देख सकते हो यहाँ पर भी ये काफ़ी सारे ऐसे ऐसे इफेक्ट भी गाइस यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि पेड होता है बट मैंने फ्री में डाउनलोड करके रखे। सो इनको आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। अभी आपको वीडियो देखिए गाइस, काफ़ी अमेजिंग तरीके से बन चुके हैं गाइस। ये पता नहीं काइनमास्टर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, हरी लाइन मुझे दिखाई दे रही है। एंड तो गाइस यार सॉरी फॉर इसके लिए बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं आपको पूरा अच्छे से एडिटिंग करके दिखाने वाला हूँ। सो इस कलर फिल्टर को लेना है और फ्रेम को फुल कर लेना है। अब ब्लेंडिंग पे आना है और स्क्रीन को इनेबल कर देना है। इसके बाद गाइस देखिए, आपका वीडियो काफ़ी अमेजिंग तरीके से बनकर क्रिएट हो चुका है। इसके बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। अब वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद आपको काइनमास्टर के सेकेंड टाइम ओपन कर लेना है दूसरी बार और आपको 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। अभी गाइस जो आप 16:9 का रेशियो सेलेक्ट करते हैं, मीडिया पर जाना है और मीडिया पर जाने के बाद गाइस आपको एक बर्थडे जो आपने यहाँ पर एक लेयर डाउनलोड किया एक्सपोर्ट किया है अभी उसको सबसे पहले यहाँ पर ले लेना है जो अभी आपने एक्सपोर्ट किया था। इसके बाद फिर से लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है और जो भी अभी आपने गाइस यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन है इफेक्ट को यहाँ पर ऐड कर लेना है। इफेक्ट ऐड करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको ग्लेशियर ब्लर इसका बहुत ज़्यादा कर लेना है। इसके बाद मीडिया पर जाना है, जिस वीडियो को गाइस आपने डाउनलोड करके रखा है टेम्पलेट वीडियो उसको यहाँ पर ऐड कर लेना है। सो अभी यहाँ पर मैं टेम्पलेट वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। सो यहाँ से मैंने ये वाला टेम्पलेट वीडियो मेरा यहाँ पर है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ और फ्रेम को फुल कर लेता हूँ। अब इसके बाद लेयर पर जाना है गाइस, आपको यहाँ पर ब्लेंडिंग पे आना है और इसकी स्क्रीन को इनेबल कर देना है, ब्लेंडिंग वाली स्क्रीन को इनेबल कर देना है। अब फिर से आपको लेयर पर जाना होगा गाइस, क्योंकि अभी देखिए इतना वीडियो बन चुका है। और मीडिया पर जाकर आपको जो वीडियो आपने एक्सपोर्ट किया है उस वीडियो को दोबारा से यहाँ पर ले लेना है। और गाइस लेने के बाद देखिए, आप देख सकते हो वीडियो कुछ इस तरह से क्रिएट हो चुका है। अब इसको गाइस आपको क्या करना है, अभी आप जब क्रॉपिंग पे जाओगे तो इसको सेंड टू बैक कर लेना है पहले 3 डॉट पे क्लिक करके। उसके बाद देखिए गाइस, आपको इसी लेयर पर क्लिक करके इसको क्रॉप मतलब क्रॉपिंग वाले आइकन पर जाना होगा और क्रॉपिंग वाले आइकन पर आपको मास्क को इनेबल कर देना है। अभी देख सकते हो आपका वीडियो गोल हो चुका है, ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, उसको हम अच्छे से एडजस्ट भी कर लेंगे। एंड गाइस अभी आपको ये चौकोटा इसलिए लग रहा है क्योंकि एक क्लिप ग्राफिक इमेज में बना हुआ वीडियो है। सो अभी जब मैं चला कर दिखाऊँ आपको वीडियो काफ़ी अमेजिंग दिखेगा। अभी देख सकते हो आप गाइस, यहाँ से मैंने क्रॉपिंग को इनेबल करके एंड गाइस देखिए वीडियो को चारों ओर से देख सकते हो आप गोल की तरह बन रहा है। सो अभी यहाँ पर इसको अच्छे से एडजस्ट मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब इसके बाद फिर से गाइस, अभी आपको इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है। एंड इसके बाद गाइस आपको यहाँ पर लेयर पर जाना है और एक इमेज ऐड करना है। अभी गाइस आप यहाँ से कोई भी इमेज ऐड कर सकते हो। सो इमेज को देखिए, यहाँ पर मैं इस इमेज को ले लेता हूँ और यहाँ दूसरी तरफ जो एक गोल लेयर दिख रहा है उसको मैं यहाँ पर अच्छे से बैठा देता हूँ। सो अभी इस वाले को लेयर को लेना है और यहाँ से अच्छे से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। सो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से हमारा ये एडजस्ट हो चुका है। सो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी बर्थडे वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको और भी चाहिए तो कमेंट करके बता दूँ, मैं वहाँ से आपको बता दूँगा। और सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए, जैसे भी आप चाहो वैसे डाउनलोड कर सकते हो और वीडियो को शेयर करके एक्सपोर्ट कर।